तो घर के हालात काफ़ी उजड़े हुए लग रहे होंगे। इतना अनसेटल्ड घर मेरा, ये आपने कभी नहीं देखा होगा। ये जो मेरा अपार्टमेंट है लिस्बन में, पोर्टुगाल में, तो यहाँ से मैंने आपको काफ़ी सारे अपने वीडियोस दिखाए हैं जिसमें मैं था। कई बार मेरे वीडियोस में मेरे साथ मिलेना होती थी और हम घूमने फिरने भी जाते थे, यहाँ भी हम खूब मस्ती काटते थे। लेकिन अब वीडियो का टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा कि फाइनली अब टाइम आ गया है कि मेरा इस अपार्टमेंट का जो मेरा स्टे था, जो मेरा यहाँ पे मेरा टाइम लिखा हुआ था, वो अब टाइम ख़त्म होने का टाइम आ गया। टाइम ख़त्म होने का टाइम आ गया, ये तो डायलॉग बन गया भाई। मन में थोड़ी उदासी भी है चेहरे पे, चाहे आपको मेरी खुशी दिख रही होगी लेकिन ये खुशी नहीं है। ये एक तरीके से मैं अपने मेरे अंदर जो इस टाइम दुख है इस घर को छोड़ने का, जो मेरी यहाँ से यादें हैं उससे दूर जाने का, और उसको छुपाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ रहने की। बाकी कैमरे पे भी अच्छा लगूँ इसलिए ज़्यादा की ज़्यादा हंस रहा हूँ। बाकी वैसे ऐसी कोई खासी खुशी है नहीं, बहुत ही मूड ख़राब है क्योंकि ये घर छोड़ना पड़ रहा है। और बाकी अभी मैं बना रहा हूँ चाय, और अभी सो के ही उठा था, आज लास्ट दिन है तो आज मेरे को इस घर को पूरा अच्छे से साफ सफाई करनी है, अपना सारा सामान पैक करना है और इसको मूव करना है अपनी दूसरी जगह पे। कहाँ मूव होने वाला हूँ वो बताता हूँ, किस लिए मैं ये अपार्टमेंट छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने आपको इस बारे में बताया नहीं था, कि कभी जिक्र भी नहीं किया था कि मैं ये अपार्टमेंट छोड़ूंगा। क्यों छोड़ूं, क्यों छोड़ रहा हूं, क्या आगे के प्लान्स हैं, वो सब के बारे में बात करते हैं। पहली बार चाय पी लेता हूं क्योंकि अभी तो आंखें भी मेरी ऐसी है कि सो के उठा था। चाय बनने रखी है और बाकी यहाँ पे सामान की थोड़ी बहुत पैकिंग मैंने रात को कर ली थी, और बाकी अभी आपको आगे की कहानी ज़रा बताता हूँ। चाय पी लूँ ज़रा। ये मेरी चाय मोरक्कन मिंट एंड स्पाइसेस, इसका भी लास्ट ही बचा हुआ था। ज़िंदगी के लास्ट दिन चल रहे हैं क्या, चाय के भी लास्ट ही पैकेट चल रहा है। बाकी ज़रा इसमें पानी डाल लेते हैं और अपनी चाय तैयार। बाकी रीज़न बिहाइंड आज का वीडियो बनाने का, आज वैसे मेरा कोई प्लान वीडियो बनाने का था नहीं क्योंकि मूड भी ख़राब था, और ज़्यादातर मैं वीडियो तभी बनाता हूँ जब मेरा मूड अच्छा होता है। मूड ख़राब में मेरे बस की है नहीं वीडियो बनाना। लेकिन मेरे को हुआ कि यार मेरा यहाँ पे अब लास्ट टाइम है, ठीक है, और काफ़ी टाइम हो गया था और काफ़ी लोग कंप्लेंट भी कर रहे थे कि भाई बहुत लड़कीबाजी हो रही है और ज़्यादा वीडियोज़ आपके सारे लड़कियों वाले आ रहे हैं, लड़की के साथ ट्रैवलिंग के आ रहे हैं। आपका जो अपना टच था, आपका जो हमारा जो अपना सोल रोवर था, उससे हमारी बातचीत नहीं हो पा रही। तो आज मैं कहता चलो आपसे आज फेस टू फेस मैं बातें करता हूँ, बताता हूँ कि आपका सोल रोवर इस टाइम किस कंडीशन में है, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या आगे के प्लान्स हैं। और ये क्योंकि आज काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है मेरे लिए, जब इस घर से मैं मूव करने वाला हूँ और दूसरी जगह पर जाने वाला हूँ, तो मैं कह यार आज सिर्फ मैं और आप बात करते हैं इस बारे में। तो पहले बात करता हूँ कि भाई ये क्या रीज़न हुआ जो यहाँ से छोड़ना पड़ रहा है। तो आपको पता ही होगा कि काफ़ी लोग मेरे से जुड़े हुए थे कि मेरे को यहाँ पे जब मैं आया था, तो मैं आया था लगभग मार्च के महीने में, आया पोर्टुगल में आया था, यूरोप में मूव हुआ था। और उसके बाद लगभग मैं 1-2 महीने तो मैं कोई अपार्टमेंट वगैरह ढूंढने में लग गया, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है पोर्टुगल में या फिर यूरोप में कहीं पे, और स्पेशली जो कैपिटल सिटी होती है जैसे लिस्बन होगी, पोर्टुगल की कैपिटल है, तो वहाँ पे जो अपार्टमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बड़ी मुश्किल से अपार्टमेंट मिला था, और उसके बाद 1-2 महीने मेरे को लगे थोड़ा सेटल अप होने में और यहाँ की अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट करने में, यहाँ की इमिग्रेशन अप्लाई कर रखी है। तो उसके बाद आई थिंक मेरे ख्याल से मार्च के बाद अप्रैल मई का महीना था जब मैंने ट्रैवलिंग फिर से स्टार्ट करी। लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है, मैं अभी पोर्टुगल से बाहर जाने के लिए मुझे कुछ और डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, वीज़ा जैसी चीज़ होती है, आपको मैं बाद में बताऊँगा अभी उसके बारे में। तो इसलिए मैंने अभी बेहतर समझा कि तो पोर्टुगल में ही ट्रैवल करते हैं, और इसलिए मैं एक वर्क अवे चला गया था। वर्क अवे के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन उस वर्क में मेरे को इतने इंटरेस्टिंग अमेजिंग लोग मिलते रहे, मिले ना मिली, और भी काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हुए थे और अभी भी मिलते रहते हैं, तो वो एक तरीके से मेरा घर बन गया। तो उसके चक्कर में मैं या तो मैं ट्रैवलिंग कर रहा होता था या फिर मैं अपने उस वर्कअवे पे रहता था जो कि एक फार्म हाउस है, और यहाँ पे मैं बहुत कम आता था। सिर्फ कभी कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं सिर्फ 2 महीने में एक बार आया, एक वीकेंड के लिए आया, मिलेना के साथ आया हूँगा वो भी, तो ये चक्कर होता था। और यहाँ का किराया काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ का किराया मुझे पड़ता है लगभग मोटा मोटा लगाओ तो 35,000 के आसपास किराया मुझे पड़ता है यहाँ का।
मुझे ये दुख चुभता था यार कि मैं रहता हूँ नहीं, सिर्फ एक महीने में एक बार आता हूँ 2 दिन बिताने और उसके मुझे 35,000 रुपये भरने पड़ते हैं। तो इसलिए इस करके मैंने इस अपार्टमेंट को 4 महीने पहले मैंने इस अपार्टमेंट को नोटिस दे दिया था कि भाई मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था कि मुझे 4 महीने पहले नोटिस देना ज़रूरी था। तो मैंने इसको नोटिस दिया कि भाई मुझे ये अपार्टमेंट खाली करना है और अब फिर फाइनली ये टाइम आ गया है अब कि अब मेरा आज मेरा यहाँ पे लास्ट, आज तो नहीं 3-4 दिन पड़े हैं लेकिन मेरे को अभी अपना टाइम शेड्यूल देखना पड़ता है, तो इसलिए मैं 3-4 दिन पहले ही खाली कर रहा हूँ और ताकि थोड़े पैसे भी बचेंगे और उसके बाद आगे अब लाइफ क्या प्लान लेती है उसके बारे में भी बताता हूँ कि अब आगे क्या प्लान हैं और उसके हिसाब से ही फिर हम अपनी अगली रिहाइश देखेंगे। भाई हालत ख़राब होगी आज तो, इतनी ज़्यादा सफाई मैंने पूरे जितने भी टाइम रहा जितने 7-8 महीने में इस अपार्टमेंट मेरा, इतनी सफाइयाँ कभी नहीं की होंगी इतनी मुझे जिस बार करनी पड़ी और सारा सामान बढ़िया करके इसमें पैक कर दिया है। क्योंकि पिछले काफ़ी वीकेंड पे मैं यहाँ पे आता रहता था, आपने देखा ही मिले ना, और मैं काफ़ी वीडियोस बनाते रहते थे यहाँ पे, तो धीरे धीरे करके मैंने अपना सामान ऑलरेडी शिफ्ट कर लिया था। अब मैंने सिर्फ इतना ही सामान रखा था कि भाई ये कि मेरा एक बड़ा जो सूटकेस है इसके अंदर सारा सामान आ जाए, बाकी लैपटॉप वगैरह इसमें आ जाएगा। तो अपने 2 बैग अभी मैं यहाँ से अपने मतलब शिफ्ट करने में को आसानी होगी, ये नहीं है कि मेरे को कोई स्पेशल बड़ी दूर के लिए पूरी ऊबर बुलानी पड़ेगी। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी ट्रॉली बैग के साथ और साथ में इस अपने लैपटॉप बैग के साथ ट्रैवल कर सकता हूँ। बाकी इतनी सफाई इसलिए करनी पड़ी और इतनी ज़्यादा मेहनत इसलिए करनी पड़ी, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे मतलब जब भी आपको भी अपार्टमेंट लेते हो या कोई भी रूम लेते हो तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है और सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैंने भी यहाँ पे 2 महीने की सिक्योरिटी जमा करा रखी थी और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उसमें भी ये चीज़ मेंशन थी कि घर आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा वापस देना है जैसे आपको मिला था। तो थोड़ा यहाँ पे इस चीज़ का है इनका कल्चर कि बिल्कुल साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान रखते ही हैं, तो इस वजह से ही अब और मेरी जो सिक्योरिटी थी वो भी लगभग 75,000 के आसपास थी। तो भाई छोटा अमाउंट नहीं होता, 70-75 हज़ार कई महीनों का खर्चा निकल सकता है, यूरोप में नहीं तो अपना इंडिया में तो काफ़ी महीने का निकल सकता है। तो बाकी इसलिए मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी, अपना बाथरूम भी बिल्कुल चमका दिया, बिल्कुल नए के जैसा चमका दिया। यहाँ पे सारी बेडशीट वगैरह सब कुछ सामान मेरा था तो वो मैंने सब उठा के यहाँ पे अंदर पैक कर दिया और बाकी अपना सारा बर्तन वर्तन सब मसाले वसाले सब पैक करके सब चीज़ें धो दी बढ़िया करके। तो भी प्लान यही है, थोड़ा सा और भी चेक कर लेता हूँ कुछ सामान रह ना जाए और उसके बाद मैं यहाँ से ऊबर बुलाता हूँ, पहले ऊबर से जाता हूँ ट्रेन स्टेशन और फिर ट्रेन लेके मैं जाऊँगा लिस्बन। और एक पंगा और भी है कि लिस्बन में भाई आपने मेरे कुछ पिछले कुछ कुछ वीडियो में देखा होगा, एक हमारा अफ्रीकन भाई था, काफ़ी लोगों को वो भाई पसंद भी आया था, इब्राहिम नाम था, लेकिन वो भाई थोड़ा सा बीमार हो गया, उसको हो गया ट्यूबरकुलोसिस, तो उसके चक्कर में वो 3 हफ्ते से हॉस्पिटल में एडमिट है। और अब उसने मेरे को फ़ोन किया, मतलब उसके डॉक्टर ने फ़ोन किया, वो तो अभी बात करने लायक नहीं था, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई मेरे लिए मेरा फ़ोन ख़राब हो गया तो मेरे लिए एक एंड्रॉयड फ़ोन खरीद लाओ सस्ता था और वो मुझे डिलीवर कर देना। तो आज मेरा अभी वही प्लान है, यहाँ से भी मैं जाऊँगा हॉस्पिटल में जाके उससे मिलूँगा, काफ़ी मास्क वास्क लगा जाना पड़ेगा क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस एक काफ़ी कॉन्टेजियस बीमारी होती है, मुझे भी ना हो जाए, तो उस करके उसको फ़ोन दूंगा। और उसके बाद जो मेरे होस्ट हैं जिनके वर्क का भी मैं रुकता हूँ वो मुझे मेरे को हॉस्पिटल से ही पिकअप करेंगे और उनके साथ मैं फिर वापस निकल जाऊँगा अभी के लिए अपने वर्क अवे पे। तो अभी का यही प्लान है, थोड़ा सा सेटिंग कर लेता हूँ फिर बात करता हूँ। ये हो गया बड़ा बैग, ये हो गया छोटा बैग, बड़ा बैग क्या सूटकेस ही हो गया, बहुत भारी भी हो गया। और बुलाई है इधर से ऊबर, फाइनली पैकिंग पूरी हो गई, जितना भी कूड़ा वूड़ा ट्रैश था सब कुछ बाहर फेंक के आया, फिर से चेक कर लिया कि सब चीज़ साफ़ हो, कोई मेरी चीज़ यहाँ पे छूटी ना हो क्योंकि बार बार आना भी यहाँ पे बहुत महंगा पड़ जाता है और बहुत दूर भी पड़ेगा। तो अभी बस ऊबर आ जाती है, ऊबर से लेके मैं ट्रेन स्टेशन जाऊँगा, ट्रेन स्टेशन से जाऊँगा मैं एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में, हाँ इतने सारे सामान के साथ, इन सब सामान के साथ मुझे भी थोड़े से और धक्के खाने पड़ेंगे क्योंकि वो भाई जो आपको बताया मैंने इब्राहिम बेचारा परेशान है, प्रॉब्लम में है तो हेल्प करना बनता है, ऐसे पराए देश में उसका भी यहाँ पे कोई नहीं है। तो एक दोस्त की जैसे मेरी उसको सपोर्ट मिलती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, मैं पिछले वीकेंड पे भी उससे मिलने गया था तो काफ़ी उसको अच्छा लगा था कि फाइनली कोई तो है जो उसकी केयर कर रहा है जो उससे मिलने आया है। तो इसी करके अभी उसको मैं फ़ोन दूंगा, फ़ोन खरीदूंगा, फ़ोन उसको दूंगा और फिर अपने होस्ट से मिलता हूँ और फिर वहाँ से अपनी उसकी गाड़ी में बैठ के वापस जाता हूँ अपने होस्ट के फार्म पे। तो भाई सामान सौदा लेके सारा अपना ट्रॉली बैग वगैरह लेके उसके बाद मैं गया बॉटन स्टोर। आजकल बॉटन एक यहाँ पे बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक का स्टोर होता है, वहाँ पे काफ़ी आपको इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें मिल जाती हैं। इंडिया में बताऊँ तो मुझे याद नहीं इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसा कोई स्टोर पता नहीं, पर यहाँ पे मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आपको बॉटन में मिल जाता है और ये हर जगह पर इनकी ब्रांचेज होती हैं। तो उसमें गया मैं, वहाँ से थोड़ा इब्राहिम भाई के लिए थोड़ा कुछ सामान ले लिया, जैसे कि मुझे एक फ़ोन लेना था और सिम कार्ड वगैरह लेना था
ये फ़ोन लिया है भाई। आजकल ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही थी, और तो इसमें मुझे ये फ़ोन पड़ा है अपनी, कौन सा रेडमी A1 है, ये लगभग 90 यूरो के आसपास है, तो इंडिया के लगा लो 7,000 के आसपास जो तो इसका पड़ा हुआ। एक मैंने ले लिया पावर बैंक, ये भी डिस्काउंट में आया हुआ था, 12 यूरो के आसपास था, इंडिया में हो गए 1,000 रुपये के आसपास, 10,000 mAh का। और दो ले लिए मैंने इब्राहिम भाई के लिए सिम कार्ड, क्योंकि मे बी उसको बहुत टाइम रहना पड़ेगा और वो हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकता, और यहाँ पे एक्चुअली ऐसे आते हैं मतलब कोई आपको आईडी नहीं देनी होती, जस्ट दुकान पे जाओ वहाँ से ऐसे शॉपिंग करते करते जैसे ये भी उठा लो, तो ये 5-5 यूरो के दो सिम कार्ड हैं, एक एक महीना चलते हैं, कुछ कुछ उसमें डाटा मिलता है, 4-4 GB का डाटा होता है, तो ठीक है इसलिए मैंने दो ले लिए। अगर उसका डाटा ख़त्म भी हो जाता है तो भाई दूसरा सिम डाल देगा और काम चल जाएगा। अभी मेरा प्लान है, अभी मैं यहाँ पर ट्रेन स्टेशन में बैठा हुआ हूँ, थोड़ा सा टाइम है जो मेरी अपॉइंटमेंट है हॉस्पिटल में उससे मिलने की, तो मैं कहा इसके जो सिम कार्ड है फ़ोन में डाल देता हूँ, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं वो इंस्टॉल कर देता हूँ, क्योंकि भाई तो होगा नशे में, मतलब वैसे नशे में नहीं, दवाइयों के नशे में, वैसे तो भाई मुसलमान है, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता है, तो नाम से पता लग ही गया होगा आपको इब्राहिम मुस्लिम नेम ही है, लेकिन दिल का बहुत साफ बंदा है इसलिए मदद कर रहा हूँ उसकी। तो अभी ये सिम कार्ड वगैरह इसमें डाल देता हूँ, और यहाँ से हॉस्पिटल पास ही है, 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, यहाँ से पहुँच जाऊँगा, उसको सिम उसको ये सब कुछ सौदा दे देते हैं, तो उसके बाद अपने फार्म पर निकलते हैं। तो भाई सामान सौदा उसको देने के बाद वापसी मेरी हो गई है जिस फार्म हाउस पे मैं अपना सामान सौदा लेके आया था, वहाँ पे भाई पहुँच गया है, और उसके बाद सामान भी मैंने अपना दोबारा सेट वेट कर लिया है, और उसके बाद काफ़ी दिन हो गए एक्चुअली यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, मैं अपना इस वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि मैं काफ़ी कुछ ट्रेजिडी भी हो गई है, क्या ट्रेजिडी हुई है तो उसके बारे में भी आपको बताऊँगा, लेकिन इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देंगे, लेकिन अगले वीडियो में आपको थोड़ी सी और एक्सप्लेन करूँगा कि क्या ट्रेजिडी हो गई है। काफ़ी लोग ये पूछ रहे होंगे कि भाई मिले ना कहाँ हैं, सारे वीडियोज उसके साथ आते थे, आप उसके साथ रहते थे, तो अभी कहाँ है, मैडम कहाँ है, तो उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। थोड़ा जो ट्रेजेडी हुई है वो उसी के साथ ही हुई है, हमारे बीच में ही हुई है, ज़्यादा मत सोचो, कोई नहीं, बताता हूँ अगले वीडियो में। बाकी ये मेरा रूम है, मैंने पहले भी यहाँ इस रूम से आपको काफ़ी सारे वीडियो दिखाए हुए हैं, तो मैं आपको दोबारा से ये रूम नहीं दिखाऊंगा, ये लोकेशन नहीं दिखाऊंगा कि कहाँ पे रूम लोकेटेड है। बाकी मेरा प्राइवेट रूम है, यहाँ पे मैं अपना आराम से रहता हूँ, और सामान वामान भी सेट हो गया, यहाँ पे अपनी लाइट वाइट सेट हो, थोड़ा अपना स्टूडियो सेटअप भी हो ही गया है। बाकी चैनल को सपोर्ट करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, आगे आपको और अच्छे अच्छे ट्रैवल की जर्नीज दिखाएंगे, बढ़िया बढ़िया लोगों से भी मिलवाएंगे, और बाकी मेरे बारे में तो आप जान ही रहे हो और आपको और जानने को भी मिलेगा। बाकी चैनल को सपोर्ट करते रहना, फिर से मुलाकात हो ही जाएगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।